तो सबसे पहले ज्यादातर लोग के लिए और मेरे लिए भी ये बात बहुत डिसअपॉइंटमेंट रही कि भाई इन्होंने हिंदी ट्रेलर जो है वो सबसे लास्ट में रिलीज करा। भाई 8 सब 8 में हिंदी का ट्रेलर है जिसकी सबसे ज्यादा हाइप है, तो भाई आप उसी को सबसे ज्यादा रिलीज कर मतलब लेट रिलीज कर रहे हो, तो भाई ये बात तो मुझे बहुत ही कहीं ना कहीं गलत लगी। और मैं इनसे कहना चाहूँगा, अगर आप सलाह का आगे से कोई कंटेंट रिलीज करते हो तो भाई उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, या तो आप एक साथ कर दें या तो इतना लंबा आप गैप ना रखें एक घंटे का। तो ठीक है भाई, आप ये एक अलग बात है, उसको कभी और देखेंगे। तो मैं आता हूँ सबसे पहले ट्रेलर की तरफ। देखिए ट्रेलर मेरे को नो डाउट बहुत ही अच्छा, माइंड ब्लोइंग ट्रेलर था। मैं किसी की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहता, ट्रेलर बहुत ही अच्छा था। जो डायलॉग डिलीवरी हो रही है उसके हिसाब से जो BGM लगाया जा रहा है वो भी बहुत तगड़ा था। हाँ, 2 मिनट तक मतलब इन्होंने एक्सप्लेनेशन में लगा दिया कि भाई खान सर एक जो है वो गांव था, डेरा था, उसको हमने साम्राज्य में बदला, मतलब कि उनके पापा ने पृथ्वीराज को इस मूवी के विलन है उन्होंने साम्राज्य बदला, और वहाँ के जो मंत्री हैं वो उनके बेटे को मारना चाहते हैं क्योंकि वो आगे सरदार ना बन जाए। फिर तो उसके लिए वो अपने दोस्त देवा को बुलाते हैं जो इनकी इतनी करी दोस्ती दिखाई गई है। भाई साहब लेवल किस लेवल की दोस्ती दिखाई है, और जब हम मूवी में इस दोस्ती को देखें तब क्या ही सीन होगा। लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक ख्याल आया जब मैंने ट्रेलर देखा कि भाई जब इनकी इतनी करी दोस्ती दिखाई गई है और जब इनकी मतलब जो दुश्मन बनेंगे अपोजिट खड़े होंगे एक दूसरे के लिए एक दूसरे के सामने, तब क्या सीन होगा और कैसे स्क्रीन पे वो प्रशांत नील इसको दिखाएंगे, वो चीज़ देखने लायक होगी लिटरली। भाई भाई KGF वाली वाइब्स आएगी हल्की हल्की, क्योंकि जैसे आपको पता है लोकेशंस वगैरह ज़्यादातर वही हैं। और लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँ भाई, जो साम्राज्य बनाया हुआ भाई क्या मॉडर्न बनाया यार, एकदम लिटरली वो मशीन गन्स वगैरह दीवारों पर, क्या आर्मी है, क्या मतलब उनके टैंक्स वगैरह हैं भाई साहब, लोकेशन बहुत अच्छी है लिटरली भाई। जैसे कि आप सबको अगर ना मालूम हो तो मैं आपको बता दूं कि मतलब सलार की ज़्यादातर जो शूटिंग हुई है वो ग्रीन स्क्रीन पे हुई है ज़्यादातर, मतलब रियल लोकेशन बहुत कम हुई है। तब भी मैं कहूँगा VFX वगैरह और जो एडिटिंग में इन्होंने काम करा है वो भी बहुत तगड़ा करा है, जबकि ग्रीन स्क्रीन की भी मूवी है लिटरली। ज़्यादा लोकेशन बने, ये समझ लो अगर रेशियो के हिसाब से रखें तो 40% ये ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुई है और 60% या 50% आप मान लो कि ये रियल लोकेशन पे शूट हुई है, तो एक ऐसा रेशियो आप मान लो तो सही है, चलो अच्छी बात है। लेकिन तब भी उसके हिसाब से लेवल पे कहीं VFX वगैरह बहुत ही अच्छा था। स्टोरी की बात करें, स्टोरी ओके है, तभी वो तो सब अब मूवी देख के बताएंगे स्टोरी का क्या है, वो तो ओके मुझे लगी अभी तक। लेकिन KGF की जो स्टोरी थी उस हिसाब के उस लेवल की तो नहीं लग रही, लेकिन एक्शन वगैरह बहुत ही अच्छा है। प्रभास की एंट्री भी बहुत अच्छी थी, ठीक है, प्रभास की जो उन्होंने अभी तक जो दिखाया भी है, ज़्यादा एक्टिंग वगैरह तो हमको देखने को नहीं मिली है। जो उन्होंने डायलॉग भी बोली है, जैसे एक डायलॉग आता है प्लीज़ आई काइंडली रिक्वेस्ट यू भाई साहब, लेकिन आवाज़ एक बार बोलो ना, आवाज़ जिन्होंने इसको मतलब प्रभास को जो आवाज़ दी है सलार को वो मेरे को मतलब अच्छी नहीं लगी। जो राधे श्याम में जो आवाज़ दी थी वो मेरे को तब भी अच्छी लगी थी, इसमें वो आवाज़ मेरे को डबिंग में डिसअपॉइंटमेंट रही है। चलो वो कोई नहीं, देख लेंगे, तो इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए था। चलो कोई नहीं, बाकी ट्रेलर से रिलेटेड मेरा ये रिव्यू था। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, एंड और ऐसी रिव्यू से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।